जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्र नगर के दुल गांव के जाबाज अमित कुमार रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। पत्नी ने दुल्हन का जोड़ा पहनकर सैनिक पति को अंतिम विदाई दी। अमित कुमार का पैतृक गांव के शमशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में शामिल सभी लोगों की आंखें नम थी। रविवार सुबह करीब 7 बजे अमित की पार्थिव देह जोगिंद्र नगर पहुंची थी। गल्लू पंचायत के दुल गांव के अमित कुमार सियाचिन ग्लेशियर में 1 साल का कार्यकाल पूरा कर सेना मुख्यालय लौट रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सेना के चंडीगढ़ अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अमित ये लद्दाख में पंजाब 21 रेजिमेंट के में नायक पद पर तैनात थे। करीब 5 साल पहले वह भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने अब निचले क्षेत्र में सेवाएं देनी थी। इसी बीच उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। विधायक प्रकाश राणा, मंडल भाजपा अध्यक्ष और कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र चढ़ाकर वीर जवान को अंतिम विदाई दी। तिरंगे में सैनिक अमित की पार्थिव देह दुल गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। जवान बेटे का शव देखकर मां गौरी बेहोश हो गई, पत्नी मनीषा बेसुध हो गई। लोक निर्माण विभाग में बेलदार पिता जोगिंद्र सिंह की आंखें नम थी। करीब 9 बजे अंतिम यात्रा शुरू हुई। सैकड़ों लोगों ने भारत माता के जयकारों के बीच वीर बलिदानी का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। पैतृक घर दुल में जून महीने में करीब 40 दिन की छुट्टी के दौरान अमित ने नया मकान बनाया था, जिसमें वह नए साल में प्रवेश करने जा रहा था। लेकिन उससे पहले वह वीरगति को प्राप्त हो गई। जैसे ही वीर बलिदानी के शहीद होने की खबर उनके पैतृक गांव में पहुंची तो समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गाँव से गुजरा तो लोगों ने जगह जगह चौराहों पर हाथों में राष्ट्र ध्वज लेकर वीर बलिदानी के सम्मान में नारे लगाए। पूरा वातावरण गूंजमयन हो गया। वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गुजरा तो लोगों ने पुष्प वर्षा की। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर घर के आंगन में पहुंचा तो पत्नी और मां बेसुध हो गई। पत्नी ने दुल्हन का जोड़ा पहनकर वीरपति को अंतिम विदाई दी। तो दोस्तों, वीर बलिदानी अमित कुमार जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा उनके इस बलिदान का ऋणी रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे, कि आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है, रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिलिए, एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरासी गई हो वो आंखें। कभी कोई छंद भर याद भर भी दिला दे उन्हीं पथराई आंखों से, गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देकर माँ का कलेजा ठंड सा जाता है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चल कर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी शरद पे दल के देख लेना, कि फौजी की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम जब तक सांस रहेगी तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।